विषय सामाजिक विज्ञान, उपविषय भूगोल, पाठ एक संसाधन एवं विकास। इसके अंतर्गत मृदा संसाधन। मृदा संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है, इससे सभी जीवों का पोषण होता है, हम सभी का आधार है। ये मृदा का निर्माण भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले तत्वों से हुआ है। भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। नंबर एक जलोढ़ मृदा, उसको लगा दो, जलोढ़ मृदा। इस मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है। इसमें उपजाऊ तत्व होते हैं। यह मिट्टी भारत के अधिकांश भाग पर फैली हुई है। इस मिट्टी में फास्फोरस, पोटाश, चूना तत्वों की प्रधानता होती है, जिससे ये उपजाऊ होती है। यह मिट्टी उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा तथा भारत के तटीय भागों में पाई जाती है। इस मिट्टी में चावल, गन्ना, गेहूं, जूट आदि की खेती होती है। नंबर दो काली मृदा, काली मृदा में कपास की खेती अच्छी होती है, इसलिए कपास की मिट्टी भी कहते हैं, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसका निर्माण लावा ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निकले लावा के ठंडे होकर जमने से और उसके बाद विखंडन से इसका निर्माण हुआ है। इसमें उपजाऊपन अधिक होता है। यह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के भागों में पाई जाती है। इसमें वर्षा होने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर ये इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इस मिट्टी में कपास, गन्ना, ज्वार, बाजरा ये इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। नंबर तीन लाल मृदा, इस का रंग लाल, पीला या गेहूं के कलर का होता है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रो कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। उर्वरकों की सहायता से इसमें ज्वार, बाजरा, दलहन इत्यादि फसलें पैदा की जाती है। यह मिट्टी कर्नाटक, उड़ीसा, मेघालय आदि राज्यों में पाई जाती है। नंबर चार लैटेराइट मृदा, यह मृदा कम उपजाऊ होती है, जहां तीव्र वर्षा द्वारा निक्षालन क्रिया के द्वारा ये इस मृदा का निर्माण होता है। उपजाऊ अंश इसका बह जाता है और अनुपजाऊ रह जाता है। इसमें उर्वरकों की सहायता से काजू, कहवा की खेती की जाती है। यह मृदा कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ भागों में पाई जाती है। नंबर पांच मरुस्थलीय मृदा,
यह मृदा राजस्थान, दक्षिणी गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ भागों में पाई जाती है। इसमें ये अनुपजाऊ होती है, रेतीली होती है, इसमें जल धारण की क्षमता कम होती है और नमक, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, नमक पाया जाता है। यहीं पर यह सावर झील है, उससे नमक बनाया जाता है इसी भाग में। इस मिट्टी में ज्वार बाजरा, सिंचाई के द्वारा ज्वार बाजरा आदि की खेती है, लेकिन अब सतलज नदी के द्वारा इंदिरा गांधी नहर निकालकर इस रेतीले भाग में गेहूं इत्यादि की फसल की जा रही है। नंबर छः, पर्वतीय मृदा। यह मृदा पर्वतीय भागों पर पाई जाती है। इस मृदा में बालू के मोटे मोटे कण पाए जाते हैं, चूना इस मिट्टी में पाया जाता है। पर्वतीय भागों में यह मिट्टी नैनीताल, मसूरी, चकराता, अल्मोड़ा इत्यादि स्थानों पर पाई। इसमें चाय की खेती अच्छी होती है, इसलिए चाय की मृदा भी इसे कहते हैं।